नमस्कार। जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और कई जोरदार आवाज के साथ हम इस इंटरव्यू को इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये रात भर का कार्यक्रम है लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो झारखंड के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां वो ये बहुत ही फेमस हैं। खोटा सिंगर सतीश दास हमारे साथ हैं। इनके कई ऐसे फेमस गाने हैं जिसको आप लगातार सुने होंगे और हम आज इनसे आपको इसलिए भी रूबरू करा रहे हैं क्योंकि खोटा जो भाषा है उसको लेकर के लगातार हम खबर इसलिए भी चलाते हैं क्योंकि खोटा कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है और ऐसे में ऐसे कलाकार जब खोटा गाने गाते हैं तो निश्चित तौर पर वैसे भाषा को एक तवज्जो मिलता है और उनका जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान भी देखा जाता है। सतीश दास जी, आप गिरिडीह आए हैं, आपको तो सबसे पहले समाधान इंडिया बहुत धन्यवाद देती है और पूरे दर्शकों की ओर से और खास करके हमारे ऐसे ऐसे दर्शक हैं जो खोटा भाषा और खोटा से जुड़े लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं। आपने कई ऐसे गाने गाए हैं जो बेहद ही मशहूर है और वर्तमान में 1932 को लेकर भी आपने कोई गाने प्रस्तुत भी किए थे, क्या कहना चाहेंगे खोटा भाषा को लेकर के? जिस तरह से भोजपुरी हावी है इंडस्ट्री में, खोटा कहीं ना कहीं नीचे दिखाई देता है, क्या लगता है कि बदलाव होने चाहिए? सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को प्रणाम करूंगा और मैं समाधान इंडिया के सौजन्य से बोल रहा हूं। मैं आपका सतीश, मैं यही बोलूंगा कि हम लोग का जो झारखंड का खोटा भाषा है वो हमेशा आगे बढ़े और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जितने भी दर्शक श्रोता हैं आप लोग खाली समर्थन कीजिए और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, जब तक जीना रहूँगा तब तक आपके लिए गाता रहूँगा। एक बात बताइए कि जैसे खोटा गाना आपने गाया, चल गए गंगिया डुबकी लगे में, बड़ा ही मशहूर गाना है आपका, और आपको लगता है कि झारखंड में और भी जो खोटा जो सिंगर हैं उन लोगों को सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ मदद करे, वैसा प्लेटफॉर्म और निकल करके आए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सरकार आगे बढ़े और हम लोग जितने भी झारखंडी हैं, झारखंडी कलाकार जितने भी हैं, सबको आप लोग सपोर्ट करें, सहायता करें और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि कलाकारों को ध्यान रखें और हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। 1932 को लेकर के जबरदस्त माहौल है और खास करके धनबाद जिलों में तो, और क्योंकि उलगुलान वहीं से शुरू हुआ, पूरे झारखंड में देखने को मिला। सरकार अब गंभीर है इस मसले को लेकर के 1932 का खतियान लागू हो, क्या कहना चाहेंगे 1932 को लेकर के? आप 1932 को लेकर यही कहेंगे कि 1932 का खतियान जो है वो झारखंडियों का पहचान है तो ये लागू होना चाहिए और झारखंड वासी के लिए अपना होना चाहिए और झारखंडी सरकार से यही कहना चाहेंगे 1932 का खतियान लागू करें प्लीज। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय और आवाज़ कुछ ज़्यादा है, कभी फिर आपसे मुलाकात होगी तो गंभीर विषयों पर आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और फिर से अपने झारखंड वासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। नमस्कार, जितने भी लोग देख रहे हैं, माताएं बहनें बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी हैं सबको प्रणाम। चलिए, आवाज़ आप मेरे पीछे बहुत सुन रहे होंगे लेकिन हमारी भी आवाज़ कम नहीं है, इतने जोर से बोल रहे हैं आपके कानों तक हमारी आवाज़ जरूर जा रही होगी। सतीश दास हमारे साथ थे, 1932 और अन्य मामलों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप जरूर सुने होंगे। हम प्रयास करेंगे कि और भी इसी तरह से आपको खबरें दिखाते रहें। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। शुक्रिया।